सनसनी ऑफ इंडिया। स्पेशल स्टाफ साउथ दिल्ली की टीम ने करीब 45 किलोमीटर के दायरे में लगे 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरों को खंगालने के बाद सेंधमारी करने वाले एक ऐसे गैंग का भंडाफोड़ किया है जो मध्य प्रदेश से दिल्ली एनसीआर में आकर पहले फ्लाईओवर के नीचे अपना ठिकाना बनाते थे, फिर इलाकों में गुब्बारे या खिलौने बेचने का नाटक करके अपने टारगेट को चुनते थे और मौका मिलते ही सेंधमारी की वारदात को अंजाम देकर मध्य प्रदेश फरार हो जाते थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 37 वर्षीय धर्म पारदी, 22 वर्षीय सब्बित पारदी, 22 वर्षीय बादशाह पारदी, 30 वर्षीय धर्म पारदी और 35 वर्षीय पिट्टू पारदी के रूप में हुई है। सभी आरोपी जिला गुन्ना, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से 4 सिंगल शॉट कंट्री मेड पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस और एक बटनदार चाकू बरामद हुआ है। साउथ डिस्ट्रिक्ट डीसीपी बेनिता मेरी जैकर ने बताया कि एल फर्स्ट संगम विहार निवासी पवन कुमार गुप्ता ने दिनांक 2 फरवरी 2022 को थाना नेपसराय में सूचना दी थी कि उसकी एल फर्स्ट ब्लॉक बुधवार बाजार संगम विहार नजदीक सैनिक फार्म के पास बीएल एंड सन्स ज्वेलर्स के नाम से ज्वेलरी शॉप है और किसी ने उसकी दुकान का शटर का ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवर और लाइसेंसी पिस्टल चोरी कर ली है। थाना नेपसराय में एफआईआर संख्या 168/22 धारा 457, 380, 34 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जेवर के साथ पिस्टल व जिंदा कारतूस चोरी होने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। साउथ डिस्ट्रिक्ट डीसीपी बेनिता मेरी जैकर को डर था कि आरोपी चोरी की पिस्टल से किसी संगीन वारदात को भी अंजाम दे सकते हैं। आरोपियों को जल्द से जल्द दबोचने का जिम्मा लक्ष्य पांडे एसीपी ऑपरेशन की सुपरविजन व अतुल त्यागी इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ साउथ दिल्ली के नेतृत्व में एएसआई योगेश धर्मेंद्र, एएसआई दयानंद जुगनू, अशोक जोगिंदर, हेड कांस्टेबल अशोक कुमार, मनोज संजय, विपिन राकेश, नरेश पंकज, यशपाल कांस्टेबल अशोक, अनूप मीणा, अखिलेश, संदीप दयाल, पुष्पेंद्र, संदीप पूनिया व योगिंदर की एक टीम का गठन किया। टीम ने क्राइम सीन पर देखा कि दुकान के बाहर लगे 4 सीसीटीवी कैमरों में से एक कैमरा गायब था, साथ ही चोर इतने शातिर थे कि जाते जाते सीसीटीवी के डीवीआर में लगा एसडी कार्ड को भी निकालकर अपने साथ ले गए थे। दुकान में लगे सीसीटीवी में आरोपियों की फुटेज नहीं मिलने पर भी इंस्पेक्टर अतुल त्यागी की टीम ने हिम्मत नहीं हारी और जिस रूट से आरोपियों के भागने की आशंका थी उस रूट पर पड़ने वाले सभी कॉर्नर्स, मल्टीपल टर्न्स, मकानों, दुकानों, बस स्टॉप और रेड लाइट पर लगे सभी सीसीटीवी फुटेजों को खंगाला। लगभग 45 किलोमीटर के दायरे में लगे 500 से अधिक सीसीटीवी फुटेजों को बारीकी से खंगालते खंगालते टीम की आंखें सूज गई। आखिरकार टीम के हाथ सफलता लग ही गई। घटना वाले दिन से कुछ दिन पहले की सीसीटीवी फुटेजों को खंगालने पर टीम को दिन के समय क्राइम सीन के आसपास एक गुब्बारा बेचने वाला दिखाई दिया, जो कि घटना से कुछ दिन पहले तक तो क्राइम सीन के आसपास गुब्बारे बेचते दिखाई दे रहा था, लेकिन घटना के बाद से उसने आना बंद कर दिया था। इंस्पेक्टर अतुल त्यागी को समझते देर नहीं लगी कि गुब्बारे बेचने की आड़ में बदमाशों ने पहले दुकान की रैकी की और फिर मौका मिलते ही चोरी की वारदात को अंजाम दे डाला। इंस्पेक्टर अतुल त्यागी ने सीसीटीवी फुटेज से मिली सस्पेक्ट गुब्बारे बेचने वाले की फोटो सोशल मीडिया के साथ साथ मुखबिरों के बीच सर्कुलेट कर दी। इंस्पेक्टर अतुल त्यागी की मेहनत रंग लाई और सस्पेक्ट गुब्बारे बेचने वाले की फोटो को देखकर एक मुखबिर ने बताया कि चोरी की वारदात को अंजाम मध्य प्रदेश स्थित पारदी गैंग ऑफ बर्गलर्स का हाथ हो सकता है। अब टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती पारदी गैंग को दबोचना था। पारदी गैंग के सदस्य इतने शातिर थे कि गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने पास मोबाइल फोन नहीं रखते थे और दिल्ली एनसीआर में इनका कोई स्थायी ठिकाना भी नहीं था। इंस्पेक्टर अतुल त्यागी की टीम ने दिल्ली एनसीआर की जेलों में बंद सेम मोडस ऑपरेंडी से वारदात को अंजाम देने वाले अपराधियों के रिकॉर्ड की जाँच शुरू की। जांच से टीम को यह पता चला कि पारदी गैंग के कुछ सदस्य दक्षिणी दिल्ली में किसी फ्लाईओवर के नीचे गुब्बारे व खिलौने बेचने वाला बंकर छुपे हुए हैं। इंस्पेक्टर अतुल त्यागी ने दक्षिण दिल्ली के सभी फ्लाईओवर व रेड लाइट पर गुब्बारे और खिलौने बेचने वालों पर नजर रखने के लिए मुखबिरों का जाल बिछा दिया। मुखबिरों से टीम को पता चला कि दिनांक 1 मई को पारदी गैंग के कुछ सदस्य छोटे छोटे ग्रुप बनाकर नेपसराय और संगम विहार इलाके में चोरी करने के इरादे से आ सकते हैं। इंस्पेक्टर अतुल त्यागी ने एसआई योगेश और एसआई धर्मेंद्र की दो टीमें बनाकर बांध रोड पर डंपिंग ग्राउंड नेपसराय और एल फर्स्ट ब्लॉक संगम विहार के पास जंगल में जाल बिछाया। शाम लगभग 4:15 पर एसआई योगेश के नेतृत्व में टीम ने दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया जिनकी पहचान धर्म पारदी और सब्बित के रूप में हुई। इनके कब्जे से 2 सिंगल शॉट देशी पिस्टल सहित 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। वहीं दूसरी तरफ शाम लगभग 4:30 पर एसआई धर्मेंद्र के नेतृत्व वाली टीम ने 3 संदिग्धों को पकड़ा जिनकी पहचान बादशाह पारदी, धर्म पारदी, पिट्टू पारदी के रूप में हुई।
इनके कब्जे से 2 सिंगल शॉट देशी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और 1 बटन चालित चाकू बरामद किया गया। पूछताछ के दौरान सभी आरोपियों ने खुलासा किया कि वे सभी जिला गुना मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। दिल्ली और NCR में चोरी के इरादे से आए थे। पुलिस से बचने के लिए स्ट्रीट हॉकर, बैलून व खिलौने बेचने वाले बंकर, फ्लाईओवर आदि के नीचे छुपकर रहते थे। आरोपियों ने बताया कि बैलून व खिलौने बेचने की आड़ में गली गली घूमकर अपने टारगेट की तलाश करके कई दिनों तक रेकी करते हैं और मौका मिलते ही चोरी की वारदात को अंजाम देकर मध्य प्रदेश भाग जाते हैं। आरोपियों ने बताया कि बैलून बेचने वाला बनकर उन्होंने पहले एल फर्स्ट ब्लॉक बुधव बाजार संगम विहार नजदीक सैनिक फार्म के पास BL & Sons ज्वेलर्स के नाम से ज्वेलरी शॉप है को टारगेट किया और इसके बाद उनके गैंग लीडर ने दुकान में चोरी करने की योजना बनाई। ज्वेलरी शॉप में चोरी करने के बाद वे दिल्ली से अपने घरों को भाग गए और गुना मध्य प्रदेश आसपास के इलाकों में चोरी का सामान बेच दिया। आरोपी 37 वर्षीय धर्म पारदी पुत्र सागरमल पारदी ग्राम अहीर की बिलाखेड़ी थाना धरनावाड़ा जिला गुना मध्य प्रदेश का रहने वाला है। इसके खिलाफ जिला गुना मध्य प्रदेश में 2 मामले दर्ज हैं। दूसरा आरोपी 22 वर्षीय सबवित पुत्र दीपक ग्राम कनेरा थाना धरनावाड़ा जिला गुना मध्य प्रदेश का रहने वाला है। इसकी लंबी क्राइम हिस्ट्री है। इसके खिलाफ नोएडा सेक्टर 49 में 7 आपराधिक मामले दर्ज हैं। तीसरा आरोपी 22 वर्षीय बादशाह पारदी पुत्र रुस्तम ग्राम छोटी कनारी PS धरनावाड़ा जिला गुना मध्य प्रदेश का रहने वाला है। आरोपी के खिलाफ मध्य प्रदेश में 2 मामले दर्ज हैं। चौथा आरोपी 30 वर्षीय धर्म पारदी पुत्र प्रेमदा गांव बाबाजी खेजड़ा जिला गुना मध्य प्रदेश का रहने वाला है। इसकी भी लंबी क्राइम हिस्ट्री है। इसके खिलाफ मध्य प्रदेश में 12 मामले दर्ज हैं। पांचवा आरोपी 35 वर्षीय पिट्टू पारदी पुत्र गलिया ग्राम खेजरा चक जिला गुना मध्य प्रदेश का रहने वाला है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और साथ ही क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत। सच दिखाते हैं हम। सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर हर रविवार आपके द्वार, वो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। कहीं डर तो कहीं दर्द। कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या। कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश। देखें हर रोज रात 10:30 बजे सनसनी ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी। बस लॉगिन करें www.vijaynews.in।